यस क्लास 12, ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर 10 है। केस 5 तक आपको करा दिया था, केस 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट कॉट इनवर्स रूट में 1 + x / 1 - x फाइंड लीवा वैल्यूज। इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएससी में रेयर पूछा जाता है, कठिन है सवाल। लेट वाई इक्वल्स साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 + x / 1 - x। ऊपर नीचे बंद दिखाई पड़ गया, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, y आ गया साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 + cos θ, 1 - cos θ, दैट इज साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 + cos θ हो गया 2 cos² θ/2। ये 2 sin² θ/2, 2 चला गया, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई टू, ठीक, कॉट कॉट चला गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया, उसका रीजन सुना। अभी तक जब अगल बगल वाले चले जाते थे, खाली थीटा या थीटा बाई टू बचता था, याद आया, पुराने पांचों केस समझो, थीटा या थीटा बाय टू बचता था। इसमें पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री मच रही है, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो कभी भी किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री बचेगी तो वो ट्रिग्नोमेट्री इससे रिप्लेस होगी, कॉस थीटा से, तभी डिफरेंशिएट करना। तो क्या कर रहे हैं, सिंस कॉस थीटा होता है 1 - 2 sin² θ/2, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू निकालो 1 - cos θ/2। फिर से पूरा ध्यान से सुनो, सवाल सिंपल था, 1 + x / 1 - x था, x को cos थीटा लिया, सब कुछ कर कटा के cot इनवर्स cot थीटा बाई टू, cot cot चला गया, थीटा बाई टू बचना चाहिए था, उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बच रहा है, पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बच रही है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इससे रिप्लेस होगी किसी भी तरीके से, तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो अब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू सोचो किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² θ/2, इधर उधर करके साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू निकाल लो 1 - cos θ/2। अब जाओ सवाल पे, y इक्वल्स 1 - cos θ/2, 1 - cos θ क्या है, x, x बाई टू, ये y हो गया, फाइनल y है y 1/2 - x/2, dy/dx है 0 - ½, आंसर है -½। क्लियर, ये है केस 6। अब आओ केस 7, इफ वाई इक्वल्स साइन इनवर्स 2x / 1 + x² फाइंड dy/dx, ठीक, साइड कट भी है इसमें। अब समझो, जितने भी हमने तुम्हें सवाल गिवन, y इक्वल्स पहले ले लो, y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x / 1 + x², हमने तुम्हें जितने भी टूल्स सिखाए हैं वो सारे टूल में स्क्वायर रूट जरूर है, याद करो, रूट में 1 - x², रूट में 1 + x², रूट में x² - 1, रूट 1 - x / 1 + x, बस एक छोड़ के इसमें स्क्वायर रूट नहीं था, तो हम लोगों ने टैन लिया था, ठीक है। तो जितने भी हमने तुमको टूल्स सिखाए हैं सब में स्क्वायर रूट है, यहां पर देखो स्क्वायर रूट नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स फेल हो गए। तो अब आपको आज से ये माइंड डायग्राम याद करना है, इनवर्स के लिए माइंड डायग्राम ऑफ इनवर्स सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन, माइंड डायग्राम ऑफ इनवर्स सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन। समझो, पहला, जब भी तुम्हारे सामने सब्स्टिट्यूशन का सवाल आएगा तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स के लिए जाना है, मैथमेटिकल टूल्स क्या है ये, जो सर ने बताए हैं वो भी लिख के वेबसाइट पर, जो सर ने बताए हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत आराम रहेगा ये अगर याद रखो, बताए हैं,
जैसे ही मैथमेटिकल टूल्स फेल होगा सेकेंड स्टेप जाओगे फॉर्मूला फॉर्मेशन, फॉर्मूला फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या है समझो, यहां पे टूल्स को फेल हो गए तो तुम ये साइन को देखना है, क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चले। तो देखो एक फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर फेज हो गया। एक होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चलता है। तो एक्स को ये होता है फॉर्मूला फॉर्मेशन का मतलब, फॉर्मूला फॉर्मेशन का मतलब समझ गए, इसको देख के अंदर इसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करना। एक्स को ले लिया टेन थीटा, वाई आ गया साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन से चला गया टू थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, dy dx आ गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, केस 7 ये था। अब आओ केस 8। तो केस 7 में समझ गए हो, बगल वाला देख के अंदर तुम्हें फॉर्मूला फ्रेम करना है। केस 8 कह रहा इफ y इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, फाइंड डी बाय डीएक्स। कोई टेंशन नहीं, मैथमेटिकल टूल्स फेल हो गए, फॉर्मूला फॉर्मेशन। टेन का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? हाँ एक होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बन माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो पुट x इक्वल्स tan थीटा, वाई आ गया डायरेक्ट लिख रहे हैं तुम, डायरेक्ट में लिखना tan इनवर्स tan 3 थीटा, बाहर निकल के 3 थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, डी बाय डीएक्स आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? केस 9 आओ, केस 9 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट। इफ y इक्वल्स tan इनवर्स x की पावर 1 बाई 3 प्लस a की पावर 1 बाई 3 1 माइनस x की पावर 1 बाई 3 a की पावर 1 बाई 3, फाइंड डी बाय डीएक्स। ये भी देखो फॉर्मूले फ्रेम हो रहा है, tan a प्लस tan b वन माइनस tan a tan b। क्लियर? तो ऐसे भी बनाना पड़ सकता है, एक सवाल में दो सब्स्टिट्यूशन भी करने पड़ सकते हैं। एक हमने लिया पुट x की पावर 1 बाई 3 को tan अल्फा और a की पावर 1 बाई 3 को tan बीटा, याद रखना। तो एक सवाल में दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं करने होंगे। तो ये आ गया tan इनवर्स tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला रखने के बाद बाहर निकल के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 1 बाई 3, बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स a की पावर 1 बाई 3। डी बाय डीएक्स करो, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर 2 बाई 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन भूल ना जाना, डी बाय डीएक्स x की पावर 1 बाई 3 प्लस इसका 0, क्योंकि tan इनवर्स करोगे फिर डी डीएक्स जब a की पावर 1 बाई 3 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, फाइनल आंसर आया 1 बाई 3 एक्स की पावर 2 बाई 3 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई 3, 1 बाई 3 एक्स की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 होगा, नीचे ले आ रहे हैं, ये फाइनल आंसर है। कौन सा केस था ये? केस 9। केस 10 आओ, नंबर्स केस में गड़बड़ हो सकते हैं, टेंशन ना लेना, याद हो रहा है इतना कौन सा केस खत्म किया। केस 10, इफ y equals cos inverse 2x upon 1 plus x square, find dy by dx। अब समझो जरा, तीसरा टूल आने जा रहा है, तुम्हारे सामने सवाल आया, तुम मैथमेटिकल टूल्स के लिए गए फेल हो गया, फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए गए आगे cos है, क्या cos का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो इस फॉर्मेट से चले? नहीं। कॉस के कितने फॉर्मूले होते हैं सुनो, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर फेज, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी न्यूमरेटर फेज, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी न्यूमरेटर फेज, चौथा होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बट ये लेकिन ये वो भी नहीं बन रहा है, तो चारों फेल। तो अब तुमको ब्रेक लगाना होगा, क्या दुनिया में ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो इस फॉर्मेट से चलता हो?
साइन 2 थीटा का होता है 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जब फॉर्मूला फॉर्मेशन फेल हो जाएगा तो दुनिया से फॉर्मूला लाओ, तीसरा टूल है दुनिया, ध्यान रखना दुनिया से कोई ना कोई फॉर्मूला सेट कर देगा। पुट x इक्वल टू टैन थीटा, वाई आ गया कॉस इनवर्स 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, बस पाई बाई 2 से सेट हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस कॉस चला गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वीडियो यही खत्म होता है, केस 10 ओवर है।